भैया और राम राम पहुँचे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि दिनांक 15 तारीख को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अपने उम्मीदवार के रूप में चरण सिंह यादव का नाम बिजावर से घोषित किया है, उस दिन से आज तक जो हमारे कांग्रेस परिवार के लोग और जनता जनार्दन के लगातार फोन आते रहते थे। वो बराबर पूछते थे, बराबर कुछ सुझाव देते थे, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही थी। मैं बड़ा दुखी था और साथ में सभी लोग दुखी थे। तो मैंने एक उसका हल निकाला कि क्यों ना इस विषय पे अपन सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ बैठकर और अपनी अपनी राय रखें, सलाह मशवरा करें, आगे का रास्ता तय करें। मेरा तो निवेदन है कि मैं पिछले 15 वर्षों से आपके बीच में रहकर अपने तन मन धन सबको झोंक कर आप लोगों की सेवा कर रहा था, आपके प्रति निष्ठावान था, आपके प्रति समर्पित था और रहूंगा। लेकिन इच्छा थी कि अगर पार्टी स्थानीय की बात जो हाईकमान ने वादा करके कही थी उसमें से अगर किसी को चुना जाता तो मेरे अधिकारों में बढ़ोतरी होती है और उन अधिकारों के साथ मैं आपकी और बड़ी ताकत के साथ आपकी सेवा कर सकता था। लेकिन ये संभव नहीं हो सका, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब लोग दिनांक 21 तारीख को शाम को 6 बजे मेरे निज निवास ग्राम कुर्रा पर पधार कर सभी लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर मुझे आगे का रास्ता बताएं, क्योंकि मेरे लिए एक हाईकमान भोपाल में है तो दूसरे हाईकमान के रूप में आप हैं। आपका हर आदेश सर माथे पर, आप जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे अक्षरशः चलने के लिए मैं समर्पित हूँ, निष्ठावान हूँ और वचनबद्ध हूँ। इसलिए आप पधारें। धन्यवाद। जय हिंद। जय कांग्रेस।